तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे मामा मुझे ज्योतिषी विद्या सिखा रहा है ज्ञान। रे मूर्ख, सुन रहा है विख्यात जय जनता धीराज रावण ज्योतिषी विद्या से परिपूर्ण तुम हमें सीख दे रहे हो। तब मारी चहिदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। क्या कहूँ, अब तो हमारी मौत निश्चित है। थोड़ी देर आप लोग और बैठेंगे, मैं इनका कार्य करूँगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा जाऊँगा। यदि नहीं करूँगा तो इस राक्षस के हाथों मेरी मौत हो जाएगी। भगवान के हाथ से मरा जाए ताकि भाव सागर से पार हो जाऊं। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाए। ठीक है, अरे भाग्यश्री बोलो मामा, आप निश्चिंत रहे, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। अभी रास्ते पर आए मामा। तो मामा सुनो, तुझे करना क्या है, सुन रहे हो? अवश्य। माया मृग, सुन रहे हो मामा? अवश्य भांजेश्वरी। बन जाओ माया मृग, मैं बन जाऊंगा बाबा। तुम राम लक्ष्मण को फटकाना, मैं सीता को हरि लाऊंगा। अवश्य भांजेश्वरी, अवश्य। लेकिन ऐसे नहीं मानूंगा मामा, मेरे सामने बनकर नहीं दिखाओगे तो तुम्हारे भांजे को तब तक विश्वास नहीं है। हाँ, पहले एक बार दिखा दो अपना चोला बना रहे हैं। अरे मेरी माया, वो मेरी ग्रीम का मुद्दा भी चल। अब मुझे परिपूर्ण विश्वास हो गया है, अभी तो हमारे काम में आए हो मामा, सचमुच मामा बने हो। चल, देखता हूँ किस प्रकार से मैं अपनी माया फैलाता हूँ। अवश्य बन कर आया, सीता अपहरण कराने
स्वामीनाथ कहिए सीधे, देखो यह कितना सुंदर मृग है। स्वामीनाथ आप इसे देखो, यदि आप इस मृगा की छाल लाएंगे तो मैं कुटिया का श्रृंगार करूंगी। ऐसे मैंने अपने जीवन में मैं भी कभी सोने का मृग मैं भी नहीं देखा हूं सीधे, इसीलिए स्वामी ऐसे कितना सुंदर मृग है यह। सीधे अगर तुम कह रही हो किस मृगा की खाल लाओ मैं कुटिया का श्रृंगार करूंगी, सीधे तो मैं इस मृगा को मारकर अवश्य लाऊंगा और तुम कुटिया का श्रृंगार करना। ठीक है सर। अरे मेरी प्यारी सीते मानो तो सही, अरे आज तलक की सोने का मृगी देखा भी नहीं। कहिए भैया, अनुज मैं इस मृगा को मारने जा रहा हूँ। अनुज जब तक मैं मृगा को मारकर वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम अकेली सीता को अकेली मत छोड़ना अनुज। ठीक है भैया, जैसी आपकी अनुमति। ठीक है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी अर्धांगिनी सीता को लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़कर उस मायावी मृग की छाल लेने के लिए चल देते हैं। कि मृगा मारन मृगा मारन को चले श्री राम सिया को छोड़े पंचवटी।
प्रकार से। हे लक्ष्मण, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। हे लक्ष्मण, तूने कुछ सुना? हे मैया, हमने तो कुछ नहीं सुना। हे लक्ष्मण, कहिए माता। लगता है तुम्हारे भाई समय संकट में हैं, तुम्हें और हमें नाम से पुकार है, लगता है उनके ऊपर कोई कष्ट है, इसलिए हे देवर जाकर के देखो, रघुराई तुम्हें पेटते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई ही बांट भेजते हैं, भगवान न जाने कितने कष्टों के दुख में है, इसलिए हे लक्ष्मण तुम जाओ, इस समय हमारे स्वामी कष्ट में है, संकट में है, इसलिए तुम जाकर के देखो। हे मैया, ऐसा नहीं हो सकता माता, क्योंकि हे माता, किसे का साहस है, हे माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा, जो नहीं लक्ष्मण, जो उनको दुख पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित हो कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, तो